हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम सीखने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। आज की वीडियो में हम जानेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं अलंकार। इनका यूज हम कब करते हैं? पोएटिक डिवाइस में, लिटरेचर में इनका यूज करते हैं, लैंग्वेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देयर आर मैनी राइटिंग टेक्निक्स टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड टू इम्प्रूव आवर रिटन वर्क। बहुत सारी राइटिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं और अपने रिटन वर्क को इम्प्रूव करते हैं, उनमें सुधार करते हैं। इट इज ओके बट ओके इफ वी राइट फॉर आवरसेल्फ। अगर हम अपने आप के लिए कुछ लिखते हैं, इट इज ओके, ये ओके है, ठीक है। बट इफ इट इज फॉर अदर्स, लेकिन जब ये दूसरों के लिए है, रीडर्स के लिए है, पढ़ने वालों के लिए है या लिसनर्स के लिए है, सुनने वालों के लिए है, वी शुड टेक इट सीरियसली। तो हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। फिगर्स ऑफ स्पीच एनेबल अस टू एड कलर एंड वेराइटी इन द लैंग्वेज so that we can keep our readers engrossed। तो जो figures of speech हैं वो language में color लाते हैं, variety लाते हैं, language को colorful बनाते हैं, जिससे कि जो इसे पढ़ने वाले हैं उनका interest उसमें बना रहे, उनको उसमें interest आए, उसको उनको attractive लगे। okay, तो figures of speech का use हम करते हैं language को interesting बनाने के लिए, attractive बनाने के लिए। फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज इन फिगुरेटिव लैंग्वेज, इट इज द अपोजिट ऑफ लिटरल लैंग्वेज। तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये फिगुरेटिव लैंग्वेज में यूज होते हैं, ये लिटरल लैंग्वेज के अपोजिट होते हैं। मीन्स हम चीजों को, हम अपने बात करने के तरीके को क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे अपनी लैंग्वेज को। सीधी सीधी बात में कहकर हम उसको कैसे कहते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के। जैसे हम पोम्स पढ़ते हैं तो पोम्स में लिटरेचर के डिवाइस यूज होते हैं, लिटरेरी डिवाइस यूज होती हैं, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, पोएटिक डिवाइस हम इनको बोलते हैं। तो उनके यूज से क्या होता है, जो पोम है वो अट्रैक्टिव बनती है, इमेजिनेशन किया जाता है, उससे क्या होता है, जो रीडर है उनका पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। इन लिटरल लैंग्वेज वी मीन एग्जैक्टली वट वी से। लिटरल लैंग्वेज में क्या होता है, जो हम कहना चाहते हैं एग्जैक्टली हम अपनी वो बात कहते हैं। बट जो फिगुरेटिव लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, हम कुछ डिफरेंट तरीके से अपनी बात को, अपने बात को कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा वॉक्स वेल, मिस्टर शर्मा अच्छा काम करते हैं। तो ये हमने एक एग्जैक्ट वर्ड बोले हैं कि हाँ वो अच्छा काम करते हैं, ये हमारे एग्जैक्ट वर्ड है। बट हम इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना के बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मिस्टर शर्मा वर्क्स लाइक ए वेल ऑयल्ड मशीन, मिस्टर शर्मा एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको हमने क्या कर दिया, इम्प्रेसिव बना दिया कि वो कैसे काम कर रहे हैं, एक अच्छी जो ऑयल मशीन है उसकी तरह वो वर्क कर रहे हैं। बात हमारी बात तो एक है कि वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमने उसको, हमारा कहने का क्या जो तरीका है वो क्या है, डिफरेंट है। इन द अबव सेंटेंस लिटरल एंड फिगुरेटिव लैंग्वेज हैव बीन यूज्ड। तो यहाँ पर एक लिटरल लैंग्वेज यूज हुई है यहाँ पे, जिसमें हमने एग्जैक्ट वर्ड बोले हैं, और ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें फिगुरेटिव लैंग्वेज यूज हुई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फिगुरेटिव लैंग्वेज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे पहचाने कि डिफरेंस क्या है लिटरल लैंग्वेज में और फिगरेटिव लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है, लिटरल लैंग्वेज में एग्जैक्ट वर्ड्स बोले जाते हैं, सिंपल वे में अपनी बात कन्वे की जाती है, लेकिन जब हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, अलंकार का यूज करते हैं, तो हम उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं अपनी लैंग्वेज को। आपने देखा होगा जो पोएट्स होते हैं पोम लिखते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, बहुत सारे इमेजिनेशंस करते हैं और किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको लिविंग थिंग्स की तरह उनमें इमेजिनेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिगुरेटिव लैंग्वेज होती है।
A figure of speech is a word or phrase which is used to create an effect. एक figure of speech एक word है या एक phrase है जो कि एक effect create करने के लिए use होता है. It has a meaning something different than its literal meaning. इसकी जो meaning होती है इसके literal meaning से कुछ क्या होती है different होती है. There are many figure of speech which are commonly used, but we are going to discuss only some of them. अब जो figures of speech हैं, poetic device हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ important होती हैं, वो हम discuss करेंगे. And सबसे पहले हम discuss करेंगे simile. तो simile क्या है? एक figure of speech है. A simile is a figure of speech that compares something to something else. तो simile एक figure of speech है, जो कि एक चीज को compare करता है किसी दूसरी चीज से. सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन होता है. एक दो जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनका कंपैरिजन होता है. और इसमें हमेशा लाइक और एज यूज होता है. लाइक और एज यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं. अलेक्जेंडर फॉट लाइक अ लायन. तो यहाँ पे अलेक्जेंडर को कंपेयर किया है लायन के साथ. वो अलेक्जेंडर लड़ा किसकी तरह? एक लायन की तरह. तो यहाँ पे लाइक यूज हुआ है. तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है. ओके, माई हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस. मेरे हाथ हैं ठंडे किसकी तरह? बर्फ की तरह. यहाँ पे भी कंपेरिजन हुआ है. हाथों को कंपेयर किया है किसके साथ? आइस के साथ. तो कैसे ठंडे हैं वो? आइस की तरह ठंडे हैं. एज और लाइक का यूज होता है. हमेशा ध्यान में रखना है जहाँ पे सिमिली और फिगर ऑफ स्पीच है वहां पे एज और लाइक ये वर्ड यूज होते हैं. अगर आपने कोई सेंटेंस देखा उसमें कंपैरिजन किया गया है दो डिफरेंट चीजों का और लाइक और एज यूज हुआ है तो इट मींस ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली. इन द फर्स्ट सेंटेंस अलेक्जेंडर इज कंपेयर्ड टू अ लायन. तो यहाँ पे आपने देखा जो अलेक्जेंडर है उसे कंपेयर किया गया लायन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. उनकी ताकत के लिए यहाँ पे बोला गया कि लायन जो है वो स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है. तो अलेक्जेंडर को कंपेयर किया है लायन के साथ. इन द सेकेंड सेंटेंस द कोल्डनेस ऑफ हैंड इज कंपेयर्ड टू आइस. यहाँ पे हाथों की ठंड को कंपेयर किया गया है आइस के साथ, बर्फ के साथ. विच इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, जो कि एक टोटली डिफरेंट थिंग है. तो यहाँ पे क्या होता है? कंपेरिजन होता है दो डिफरेंट आइडियाज के बीच में. आई होप आपको ये समझ आएगा सिमिली क्या होता है. ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सिमिली के. सी हेयर वी विल सी सम एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. As like as two peas in a pot. तो इसका मीनिंग है टोटली अलाइक. एज अलाइक एज टू पी मतलब टोटली डिफरेंट. इसका मीनिंग है टोटली एक दूसरे से डिफरेंट. एज बिग एज अ बस, एक बस के बराबर बड़ा. वेरी बिग इट मीन्स है बहुत बड़ा. एज बिग एज एन एलिफेंट, एक एलिफेंट के बराबर बड़ा. वेरी बिग. एज ब्लैक एज अ कोल, कोयले की तरह काला. तो यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक. हम किसी का कंपेरिजन करते हैं कि हर आईज आर As black as coal, उसकी आंखें हैं कोयले की तरह काली. तो यहाँ पे हम उसकी आईज को कंपेयर कर रहे हैं कोयले से. तो टोटली दोनों डिफरेंट थिंग हैं, डिफरेंट थिंग है. तो उनका कंपेरिजन हुआ है. तो ये है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. इसका मीन्स है कंप्लीटली ब्लैक, पूरी तरीके से ब्लैक. एज ब्लाइंड एज अ मोल, तो इसका मीनिंग है कंप्लीटली ब्लाइंड, पूरी तरीके से ब्लाइंड. एज बोल्ड एज ब्रास, वेरी बोल्ड बहुत ज्यादा साहसी. एज ब्रेव एज अ लायन, वेरी ब्रेव बहुत ज्यादा बहादुर. लायन की तरह बहादुर, बहुत ज्यादा बहादुर. एज ब्राइट एज अ सन, वेरी ब्राइट एंड शाइनी, बहुत ज्यादा ब्राइट और शाइनी. यहाँ पे सन के साथ कंपेयर किया गया है तो बहुत ज्यादा शाइनी. एज बिजी एज बी, वेरी बिजी बहुत ज्यादा बिजी. शी इज एज बिजी एज अ बी, वो ऐसे बिजी है एक बी, एक मधुमक्खी की तरह. तो उसको